मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अंदर तो जैसे आग लगी पड़ी थी। चाचा जी अपने बेड पर लेटे हुए थे और चमेली भी उनके साथ बेड पर थी। एक 53 साल का आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है, और वो भी हमारी 25 साल की काम वाली के साथ। चमेली शादीशुदा थी मगर फिर भी गंदी सी रहने और दिखने वाली। और चाचा जी उसके साथ एक बार मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे, तो रात को सोने से पहले मैं चाचा जी को दूध देने उनके कमरे में गई। मेरा नाम बबीता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं 27 साल की शादीशुदा औरत हूँ। शादीशुदा तो मैं हूँ, लेकिन अभी भी बचपना मुझ में बहुत है। आज भी मैं बच्चों के जैसे चुलबुली हरकते करती हूँ, इसीलिए अपने मायके और ससुराल में सबकी प्यारी हूँ। मेरे मायके में तो परिवार बड़ा है, मगर ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर ही है। मेरे ससुर भी सगे नहीं है, वो मेरे पति के चाचा हैं। उनकी 53 साल की उम्र है, मगर आज भी वो बहुत ही तंदुरुस्त हैं। शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके बाद उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट ले ली थी, दूसरी शादी भी नहीं की और उनके बच्चे भी नहीं थे। वो हमेशा अकेले ही रहे। उनकी आमदनी पेंशन से मिल रहे पैसों और गांव में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी हो जाती थी। एक दो समाज सेवा संस्थाएं भी हैं, जिनमें वो कभी कभार जाते रहते हैं। वरना सुबह और शाम की सैर के अलावा वो सारा दिन घर में अपने कमरे में बैठे टीवी देखते रहते हैं या तरह तरह की किताबें पढ़ते रहते हैं। मेरे सास ससुर भी नहीं हैं। मेरी सास मेरी शादी के पहले ही चल बसी थी और मेरी शादी के एक सालों बाद ही मेरे ससुर चल बसे। तब से मेरे चाचा ससुर हमारे साथ ही रहते थे। वो अपने आप को बहुत फिट रखते हैं और बेशक उनके सर के बाल आधे से ज्यादा सफेद और थोड़े से काले हैं, मगर फिर भी वो बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं उन्हें कभी चाचा जी तो कभी पापा कहती हूँ। मैं आपको अपने बारे में भी बता देती हूँ। शादी से पहले मैं अपने स्कूल और कॉलेज की एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। मैंने बीएससी फर्स्ट डिवीजन में किया है, मगर घर का माहौल थोड़ा कड़क होने के वजह से मेरी दोस्ती कभी लड़कों से नहीं हो पाई। पापा और भाइयों का रुतबा ही ऐसा था कि कॉलेज में कोई लड़का डर के मारे मुझसे बात तक नहीं करता था। मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, बस उनसे उनकी कहानियाँ सुनकर मैं जैसे तैसे अपना मन बहला लेती थी। अक्सर मेरी सहेलियाँ अपने और अपने बॉयफ्रेंड के किस्से सुनाती तो मैं सिर्फ अपना मन मोह कर ही रह जाती। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मेरी खूबसूरती भी निखर रही थी, मेरा बदन भी भर रहा था दिखने में। मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी कई सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स ने मुझसे बातचीत करनी चाही, मगर मैंने कभी हाँ नहीं कही। इसीलिए शादी से पहले मैं बिल्कुल कुंवारी थी और जो कुछ भी देखा था सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। जब भी मैं कोई ऐसी वैसी फिल्में देखती तो मेरा भी खूब मन करता, मैं भी चाहती कि जैसा इन फिल्मों में हो रहा है कोई मेरे साथ भी वैसा ही करे। मगर शादी से पहले मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला। फिर जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी तभी मेरी सगाई हो गई। मेरे पति बहुत ही हैंडसम है, पहली नजर में ही वो मुझे अपना दिल दे बैठे। उसके बाद सगाई से लेकर शादी तक हम कई बार मिले। एक बार एक साथ हम मूवी भी देखने गए, मगर मेरे पति ने कोई जल्दबाजी नहीं की, सिर्फ मुझे प्यार से हग ही किया। मैं तो इससे भी बहुत ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि मैं जो एक बॉयफ्रेंड का सपना मैं देखती थी वो मेरा मंगेतर पूरा कर रहा था। इन्होंने पहले ही कह दिया कि जितना ज्यादा प्रेम हम अभी कर लेंगे उतना ही सुहागरात का मजा कम हो जाएगा। मैंने भी अपनी सभी इच्छाएं अपनी शादी की पहली रात तक दबा ली। 4-5 साल से दबा रखी थी तो कुछ दिन और सही, फिर मेरी शादी भी हुई और सुहागरात भी। सच में वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और हसीन रात थी। उसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको अपने चाचा ससुर के साथ अपना किस्सा सुनाती हूँ। शादी के एक साल तक हम दोनों पति पत्नी ने खूब मजे किए, क्योंकि मेरे पति उस वक्त तक कंपनी में इंजीनियर थे तो काम भी कम था, जिम्मेदारी भी कम थी।
तो वो अक्सर शाम को 5 बजे तक घर आ जाते थे। घर में सिर्फ चाचा जी ही तो होते थे जो अक्सर शाम की सैर करने चले जाते थे। तो सबसे पहले मेरे पति घर आते ही जो काम करते थे वो था मेरे साथ प्यार, रात को तो रोज होता ही था, मगर उसके अलावा जब भी हमें मौका मिलता या टाइम मिलता हम दोनों सिर्फ और सिर्फ प्यार ही करते। 2-4 साल तक जो भी मेरी दबी हुई इच्छाएं थी, शादी के बाद वो सारी इच्छाएं बाहर आने लगी और मेरे पति ने भी उन्हें खूब शांत किया। शादी के बाद मेरा शरीर और भर गया था। मैंने खुद को आईने में कई बार देखा। मेरे पति भी मुझसे कहते कि तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए धीरे धीरे मुझे इसकी आदत सी पड़ गई। दिन में भी जब मैं घर पर अकेली होती तो भी कई बार मेरा मन करने लगता, तब मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती थी। इसी वजह से मैंने अपने फोन पर तरह तरह की फिल्में देखना शुरू कर दिया, तो मुझे अकेले में भी आदत पड़ गई। जो काम मुझे शादी से पहले स्कूल या कॉलेज में करने चाहिए थे वो सब मैं शादी के बाद कर रही थी, और जब शाम को पति घर आते तो उनसे ज्यादा मैं बेचैन रहती। मेरी बेचैनी देखकर मेरे पति कहते कि क्या बात है, तुम तो हमेशा ही तैयार रहती हो। तब मैं कहती, शादी से पहले तो कुछ किया ही नहीं, और इस आग को अब आप शांत नहीं करोगे तो कौन करेगा। अब ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से शुरू हो जाओ। जब रात को हम साथ होते तो मैंने अपने पति को कोई डिमांड करने का मौका नहीं दिया। मैं उनकी हर डिमांड उनके कहने से पहले पूरा कर देती। शादी के करीब 1 साल बाद मेरे पति का प्रमोशन हुआ और अब वो मैनेजर बन गए। इस वजह से इनका घर आने का कोई टाइम ही नहीं रहा। सुबह 8 बजे ऑफिस जाते तो फिर रात को 9 बजे तक आते। मुझे लगता जैसे मेरे तो सारे अरमान ही अधूरे रह गए। अक्सर शाम को मैं तैयार होकर रहती और इनका फोन आ जाता कि मैं आज लेट हो जाऊंगा। यह सुनकर मैं तड़प कर रह जाती। कभी कभी तो मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ता था, मगर फिर भी मैंने खुद पर कंट्रोल रखा, अपने आप को संभाला, क्योंकि तब तक मैंने अपने पति के अलावा किसी और गैर मर्द की कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी मेरे दिल में विचार भी आया कि पड़ोस का मनोज भी बहुत हैंडसम है, मगर मैं ऐसा करती तो हो सकता है मोहल्ले में बदनाम हो जाती, इसलिए अपने आप को मैं काबू में रखती। दिन में अक्सर मैं मनोज के घर चली जाती। उनकी बीवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मनोज भी अपने काम के सिलसिले में ज्यादा बाहर रहते थे। मैं सुबह घर का नाश्ता बनाती, चाचा जी को नाश्ता दे देती और तैयार होकर मनोज के घर चली जाती, और फिर 1-2 घंटे उनसे गप्पे मार कर अपने घर वापस आ जाती और फिर दोपहर का खाना बनाती। इतनी देर में मेरे पीछे से हमारी काम वाली आती और घर के सारे काम करके चली जाती। ऐसे ही एक दिन मैं पड़ोस के भाभी के घर बैठी थी तो तभी मनोज का फोन आ गया कि उन्हें कहीं बाहर जाना था। यह सुनकर मैं वापस अपने घर आ गई। पहले मैं घर में अंदर दाखिल हुई और फिर किचन में गई। अभी तो बर्तन भी साफ नहीं हुए थे, झाड़ू पोछे का काम भी अभी तक बाकी था। मैंने सोचा लगता है आज चमेली नहीं आई है, तो मैंने उसे फोन लगाया। उसने फोन उठाया तो मैंने पूछा, चमेली कहाँ हो? वो उधर से बोली, दीदी मैं तो आपके घर में ही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैं किचन से बाहर आई तो देखा झाड़ू पोछा सब हॉल में पड़ा था और उधर से चमेली ने फोन भी कट कर दिया था। मैं अभी दोबारा उसे फोन करने ही वाली थी तभी मुझे चाचा जी के कमरे से चमेली की आवाज सुनाई दी। मैं सोचने लगी, अगर झाड़ू पोछा बाहर है तो चमेली अंदर क्या कर रही है? मुझे शक हुआ तो मैं चुपके से चाचा के कमरे के दरवाजे पर गई। दरवाजा बंद तो नहीं था, इसलिए मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुना तो मुझे दोनों के हंसने की आवाज सुनाई दी। पहले भी चाचा जी चमेली से बात करते थे, मगर आज उनकी हंसी कुछ अलग तरह की थी। मैंने बड़े धीरे से बस थोड़ा सा ही दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अंदर तो जैसे आग लगी पड़ी थी। चाचा जी अपने बेड पर लेटे हुए थे और चमेली भी उनके साथ बेड पर थी। दोनों की यह स्थिति देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कमरे के बाहर खड़ी उन लोगों का खेल देख रही थी। मैं तो खुद ही हर वक्त भूखी रहती थी, तो ये
कैसे संभव था कि मैं जो देख रही थी उसका असर मुझ पर नहीं होता। मैं चाचा जी को देख रही थी, इस उम्र में भी उनमें क्या फुर्ती थी। वो बिल्कुल एक नौजवान की तरह पेश आ रहे थे। उन दोनों को इस हालत में देखकर मैं भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और मैं खुद को चमेली की जगह रखकर सोचने लगी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी पड़ोस वाली भाभी से अपने चाचा जी के बारे में कुछ कुछ बातें सुन रखी थी, मगर चाचा जी ने मुझे कभी घूरा तक नहीं, मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, तो मैं ये कैसे मान लेती कि चाचा जी गलत किस्म के इंसान हैं। मैंने सोचा चाचा जी अकेले रहते हैं तो हो सकता है कि इसी वजह से पड़ोस की भाभी ने उनके बारे में ये खुद ही सोच लिया हो, मगर अब तो मेरे सामने सब कुछ खुल चुका था। एक 53 साल का आदमी इस हद तक ऐसा कर सकता है, और वो भी हमारी 25 साल की काम वाली बाई के साथ। चमेली शादीशुदा थी, मगर फिर भी यार पता नहीं नहा कर भी आती है या नहीं, गंदी सी रहने और दिखने वाली। और चाचा जी उसके साथ मैं वापस अपने कमरे में आ गई और सोच में डूब गई। उधर कमरे में से चमेली की हल्की हल्की आवाजें मैं सुन रही थी और मैं अपने बेड पर लेटकर सपनों की दुनिया में खोती चली जा रही थी। चाचा जी और चमेली से पहले ही मैं शांत हो गई। फिर मैं चुपचाप बेड पर बैठकर टीवी देखने लगी। करीब 25 मिनट बाद चमेली चाचा जी के कमरे से निकली और पहले झाड़ू पोछा करने लगी। जब वो मेरे कमरे में आई तो मुझे बेड पे बैठा देखकर वो एकदम से डर गई और बोली, अरे भाभी आप यहाँ? मैंने पूछा, क्यों, अपने ही घर में मुझे नहीं होना चाहिए? वो बोली, जी वो आप तो पड़ोस में गई थी। मैंने कहा, हाँ गई थी, अगर वापस ना आती तो तुम्हारी इस करतूत का पता कैसे चलता। वो घबरा गई और सारा काम धाम अधूरा ही छोड़कर वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैंने खुद ही घर की सारी सफाई की। चाचा जी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। दोपहर को मैं उन्हें खाना देकर आई, मगर हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। आज दिन में जो मैंने देखा था ठीक वही दृश्य मैंने रात को सपने में भी देखा। एकदम से मेरी नींद खुल गई और मैं अपने चाचा जी से अपने संबंधों के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते मैं अपना आपा खोने लगी। मैंने अपने पति को जगाने की कोशिश भी की, मगर वो नहीं उठे। अभी एक घंटे पहले ही तो सो थे। जब वो नहीं उठे तो मैंने किसी भी तरह खुद को शांत किया और सो गई। अगले दिन मैं अपना इरादा बना चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चमेली की जगह लेनी है। मैं चाचा जी से इस बारे में बात जरूर करूंगी, मगर कैसे कर सकती हूँ? हम दोनों में कभी कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं हुई थी, कैसे मैं चाचा जी का ध्यान अपनी ओर खींचूं? उधर चमेली ने भी शायद सारी बात चाचा जी को बता दी थी, इस वजह से चाचा जी भी मुझसे कुछ कटे कटे से रहने लगे थे। जब बात ही नहीं हो रही हो तो बात शुरू कैसे हो? मगर इतना जरूर था कि चमेली अब पहले से ज्यादा खुल गई थी। जिस दिन वो सलवार सूट पहन कर आती, उस दिन वो बिना दुपट्टे के चाचा जी के कमरे में जाकर सफाई करती और सबसे ज्यादा देर वो उसी कमरे की सफाई में लगाती, और इधर मैं अपने कमरे में तड़पती रहती। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि चाचा जी भी खुलने लगे, और जब चमेली जाती उनके कमरे में सफाई करने तो वो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते और अंदर से दोनों की आवाजें मुझे बाहर सुनाई देती। अंदर जो भी होता इससे मेरा दिल गुस्से से भर जाता, मगर मैं कब तक अपने आप पर काबू रखती। यही सोचकर मैंने सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग को बदला। मैंने पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस को बदला। मैंने कुछ नए डिजाइन के कपड़े पहनने शुरू किए जिससे मेरी खूबसूरती और निखर जाती थी। जब तक चमेली घर में होती मैं अपने कमरे में ही रहती थी, मगर उसके जाने के बाद मैं चाचा जी के सामने जाती और इस तरह से रहती कि जो मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ वो अच्छे से देख सके। मैं घर में लंबी कुर्ती की जगह शॉर्ट कुर्ती पहनने लगी। कभी कभी मैं जीन्स निकर और स्कर्ट भी पहनती और मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने नोटिस किया कि चाचा जी भी मेरी तरफ देखने लगे हैं। सुबह जब उठती तो चाचा जी को चाय देने जाती। वो भी शायद समझ गए थे कि मैं उन्हें क्या दिखा रही हूँ और क्यों दिखा रही हूँ। इसी वजह से वो अब मेरे साथ खुलने लगे थे। हम दोनों की आदत थी कि अक्सर दोपहर के खाने के बाद साथ बैठकर बातें किया करते थे।
उन्होंने मुझे अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। मैंने पूछा भी, चाचा जी आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? वो बोले, मुझे शादी की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैंने जानबूझकर पूछा, क्यों, कोई भी जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? वो समझ गए कि मैंने क्या पूछा है। वो बोले, मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैंने भी हंस कर कहा, हाँ, चमेली के साथ। वो भी हंस दिए और बोले, अच्छा तो तुम्हें सब पता है? मैंने कहा, हाँ मुझे सब पता है, पर चलो कोई बात नहीं, आपको भी तो किसी का साथ चाहिए अपने दर्द भुलाने को। फिर हम दोनों ही हंस दिए, मतलब अब सारी बात साफ हो चुकी थी। उसके बाद तो जब भी चमेली उनके कमरे में जाती तो वो पहले की तरह दरवाजा अंदर से बंद नहीं करते। अब तो चाचा जी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और चमेली भी अब दोनों मेरे साथ खुल्लम खुल्ला रहने लगे थे। मैं भी उससे मजाक करती और बोलती, हो गया तेरा काम? वो भी हंस के जवाब देती, हाँ भाभी हो गया। ऐसे ही चलता रहा, मगर चाचा जी अभी तक मुझसे दूरी बनाए हुए थे, जबकि मैं हर रोज नए नए तरीके अपनाती और करीब होती जा रही थी। एक दिन जब मैं उनको चाय देने गई तो चाचा जी अपने अखबार छोड़कर मेरी तरफ देखने लगे। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे बोली, चाचा जी चाय? मगर वो ना जाने मुझ में क्या देखे जा रहे थे। मैंने झुककर उनके आगे चाय का कप किया, उन्होंने एक निगाह मेरी तरफ मारी और फिर चाय का कप लेकर रख लिया। और जब मैं सीधी खड़ी हुई तो देखा कि वो मुझे घूरे जा रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ चाचा जी, ऐसे क्या देख रहे हो? वो बोले, तुम्हें? मैंने कहा, क्या कहा आपने? वो हड़बड़ा गए, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं उनके पास ही खड़ी रही और बोली, आपको मेरी ये नई साड़ी कैसी लगी? और मैंने साड़ी का पल्लू पकड़कर उनको घूम कर दिखाया। मुझे पता था कि वो मुझे ही घूर रहे थे। वो बोले, बहुत सुंदर। तभी थोड़ी सी चाय उनके कपड़े पर गिर गई तो मैंने जल्दी से उसे साफ कर दिया। वो अचानक पीछे की ओर हट गए, जैसे बहुत तेज झटका लगा हो। उन्होंने एकदम से मेरा हाथ हटा दिया। मुझे भी लगा ये कुछ ज्यादा हो गया। मैं भी अपने कमरे में वापस चली आई। फिर कुछ दिन बीते और अब चाचा जी का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। इतना तो मुझे भी साफ हो गया था कि चाचा जी अब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मगर किसी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। एक बार मेरे पति किसी काम से शहर से बाहर गए थे तो रात को सोने से पहले मैं चाचा जी को दूध देने उनके कमरे में गई। मैंने नाइटी पहनी हुई थी। दूध का गिलास रखकर मैं चाचा जी के सामने उनके बेड पर ही बैठ गई। वो बैठे बैठे दूध पी रहे थे और मुझसे बातें करते करते मुझे घूरे जा रहे थे। मैंने पूछ ही लिया, चाचा जी क्या देख रहे हो? वो बोले, मुझे पता नहीं था कि मेरी बहू इतनी खूबसूरत है। उनकी बात सुनकर मैं बोली, तो क्या आपकी निगाह हमेशा मेरे ऊपर ही रहती है? वो एकदम से चुप से हो गए, जैसे मैंने उन्हें डांट दिया हो। मुझे भी लगा कि मैंने गलत बात बोल दी। मैं उठकर जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, बैठ जा बहू, कुछ देर बातें करते हैं। आज तो भतीजा भी नहीं है, है? मैं बैठ गई और उसके बाद हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। रात के करीब एक बजने वाला था तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई, मगर मैं पहले से ज्यादा ही असहज हो गई। कमरे में आते ही मैंने अपने आप को शांत किया और फिर सो गई। धीरे धीरे चाचा जी की गाड़ी पटरी पर आती जा रही थी, मगर बहुत ही स्लो स्पीड में। वो मुझसे हंसी मजाक भी करते, कभी कभी वो मुझे कोई नॉन वेज जोक भी सुना देते, मगर वो इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे थे। दिन में चाचा जी अक्सर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ते या फिर कोई हिंदी नॉवेल पढ़ते रहते थे। हॉल में से मेरा कमरा बिल्कुल साफ दिखता था। मेरे दिमाग में एक विचार आया। एक दिन जब वो हॉल में बैठे पढ़ रहे थे तो मैं नहाने चली गई और अच्छी तरह नहा कर सर के बाल धोकर सिर्फ एक तौलिया अपने बदन पर लपेट कर मैं बाहर आई। अपने गीले बालों को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर सवारने लगी, मगर मेरी नज़र बाहर ही थी और मैंने देखा कि चाचा जी भी अखबार उठाकर चोरी चोरी मुझे देख रहे थे। मैंने अलमारी से अपनी एक रेड साड़ी निकाली। यह साड़ी मेरे पति ने मुझे शादी की सालगिरह पर दी थी। मैंने अच्छे से मेकअप किया और किचन में चाय बनाने चली गई। मैं जानबूझकर यह जता रही थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं,
मैं चाय बनाने लगी और सोच रही थी कि आज चाय देते हुए चाचा जी को अपना पूरा जलवा दिखा देना है, मगर तभी मुझे एक झटका सा लगा। चाचा जी किचन में ही आ गए और मेरे पास ही खड़े हो गए। मैं एकदम शांत होकर खड़ी हो गई। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी और मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने बड़े प्यार से एक बाप की तरह मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरा माथा चूम कर बोले, घबरा मत बेटी, अब मैं तेरी हर इच्छा को पूरा कर दूंगा। मैं भी खुश होकर उनसे लिपट गई। दोस्त, तो उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।